माय किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर मशरूम। उसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल भर के फ्रेश मटर ली है और 250 ग्राम मशरूम लिया है। धो लिया है मैंने इसको अच्छे से। अब हम पहले इसकी कटिंग करेंगे। ये जो हमारी मटर है और ये जो डंठल है, पहले तो हम इसको अलग कर देंगे। इस तरह से निकाल देना है। ये देखिए, ये आराम से निकल जाता है इस तरह से। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, वैसे आप कर भी सकते हैं। इस तरह से निकाल देना। एक मशरूम उठाएंगे, इस तरह से कट करेंगे। ऐसे कट कर लेना है स्लाइस में। कई बार ज्यादा बड़े पीस हो जाते हैं तो बच्चे खाते नहीं है, निकाल देते हैं, इसलिए मैं मशरूम को छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके इस तरह से भी और भी छोटे पीस कर सकते हैं। देखिए, मैं इस तरह से सारी मशरूम को कट कर लेती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने सारी मशरूम को कट कर लिया है इस तरह से स्लाइस में। आप अगर इसे और भी छोटे पीस करना चाहे तो कर सकते हैं, और बड़े पीस भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 4 टमाटर लिए हैं, 5-6 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च लिए हैं। इन सबको रफली काट लेंगे मोटे मोटे पीसेस में, ज्यादा छोटे नहीं करने हैं, क्योंकि हम इनकी ग्रेवी बना रहे हैं, इसलिए हम इसको मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई ले ली है और हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल का। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो आप खाते हैं वही तेल इस्तेमाल कीजिए। तेल को धुआंधार होने तक गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम मिलाएंगे प्याज जो हमने रफली काट लिए हैं। तेल को हल्का ब्राउन होने देना है, उसके बाद हम जो और सामग्री है वो डालेंगे। ज्यादा पकाएंगे नहीं, हल्के ब्राउन करेंगे पहले। प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब हम मिलाएंगे हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, इनको भी पकाएंगे। अदरक लहसुन भी पक गए हैं, अब हम डालेंगे एक टमाटर, रफली काट लिया है उसको। टमाटर पकने तक पकाएंगे, जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाती। हल्का सा डालेंगे नमक, जिससे टमाटर गल जाएं। बाकी नमक सब्जी के अनुसार डालूंगी मैं बाद में। नमक को कोई भी चीज गलाने के लिए डाला जाता है, अगर हम पहले डालते हैं। टमाटर भी अच्छे से गल चुकी है, ये देखिए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और मिक्सी जार में पीस लेंगे सभी मसालों को। ठंडा होने के बाद 5-6 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छे से मिक्स हो गए हैं सभी मसाले, ये देखिए। हमने इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और ले लिया है, 2 टीस्पून के करीब तेल डाला है। पहले तेल को वैसे ही धुआंधार गर्म होने देंगे, उसके बाद हम मसाले डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 डालेंगे तेज पत्ता, 3-4 टुकड़ों में करके, और ये खड़े मसाले हैं, दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी इलायची, 4-5 काली मिर्च और 2 लौंग, इनको भी डाल देंगे और अच्छे से पकाएंगे। जीरा और ये मसाले पक गए हैं, अब हम डालेंगे ग्रेवी। फ्लेम को स्लो कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ग्रेवी को पकाएंगे। फ्लेम को हाई टू मीडियम कर दिया है, अब हम ग्रेवी को पकाएंगे 5-6 मिनट। जब तक साइड से तेल निकल नहीं आता तब तक पकाएंगे, और साथ में डालेंगे फ्लेवर मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। वैसे हमने हरी मिर्च भी डाली है, इसलिए थोड़ी सी मिर्च डाल लेंगे। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर देने के लिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करके पकने देंगे। अगर कढ़ाई पर लगती है तो फ्लेम को थोड़ी स्लो कर देंगे। अब हम स्लो फ्लेम पर 3-4 मिनट पकाएंगे, ढक के पका लेते हैं, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ये देखिए, अभी पकने वाली है ग्रेवी, 2-3 मिनट और चला लेते हैं। ये देखिए, साइड को तेल निकल आया है ऐसे, तो इतने पकने के बाद अब हम मिलाएंगे दूध। 1 कटोरी दूध लिया है मैंने, अगर आपके पास दही है तो आप दही भी मिला सकते हैं और दूध भी मिला सकते हैं, ऐसा नहीं कि दही मिलानी है। और तेज तेज चलाएंगे जिससे दूध फटे ना और अच्छे से ग्रेवी का कलर आ जाए। एक उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखिए, उबाल आ गया है ग्रेवी में, बिल्कुल अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। अब हम मिलाएंगे
मटर जिसको धो लिया अच्छे से, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में मिलाएंगे मशरूम जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, मशरूम को भी ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। पूरी देखिए थोड़ी गाढ़ी हो गई है हमारी सब्जी। हम थोड़ी लिक्विड बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके डालेंगे, ठंडा पानी नहीं मिलाएंगे। और इस वक्त में लाएंगे हम नमक, जो पहले तो हमने थोड़ा सा नमक मिलाया था, और एक चम्मच भर के मिलाएंगे गरम मसाला। और ये गरम पानी कर लिया हमने, अब अपने हिसाब से ग्रेवी के हिसाब से या आप जिस तरह की खाना आप पसंद करते हो, लिक्विड या गाढ़ी सब्जी, उसके हिसाब से पानी मिला देना है। ये देखिए थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे, अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब हम ढककर पकाएंगे सब्जी को करीब 10 मिनट स्लो फ्लेम पे, आप स्लो टू मीडियम भी रख सकते हैं। ये मैंने सब्जी को ढक दिया, अब हम पकने देते हैं और बीच बीच में संभालते रहेंगे। एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये देखिए उबलने लगी है सब्जी, 5-6 मिनट तो हो गई है। अब बीच में चेक कर लेते हैं, ये देख बिल्कुल अच्छे से पक रही है सब्जी, मटर मशरूम की सब्जी। एक चम्मच मिलाएंगे मलाई, टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी सब्जी लगेगी हमारी। अगर आपके पास करी में तो करी मिलाएं, नहीं तो घर वाली मलाई ही बहुत अच्छी रहती है। जो टेस्ट मलाई से आता है वो करी में नहीं आता। अब मलाई मिलाएं, अच्छे से मिक्स कर देना है। ग्रेवी वाली सब्जी बच्चे खुश होकर खाते हैं, तो जरूर बनाकर खिलाएं अपने बच्चों को, ये बहुत हेल्दी भी होती है। और अब हम मिलाएंगे हरा धनिया यानी कि कच्चा धनिया खूब सारा, अभी 5-6 मिनट और पकने देते हैं। अब देख लेते हैं जी हमारी पकी के नहीं। ये देखिए जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी सूख गया है और बिल्कुल लिक्विड हो गई है सब्जी। मटर को इस तरह से दबा के चेक कर लेना है। ये देखिए सब्जी पक गई है, गैस को कर देते हैं बंद।